हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की। नीट 2022 का PYQ है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाला क्वेश्चन था। स्टेटमेंट वन है, डीकॉम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्राइटस इज डीग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। ये बिल्कुल क्लियर लाइन है, NCERT खुद बताती है कि भाई डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस में हम डेट्राइटस जो वेस्ट होता है उसको डीकम्पोज करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, ठीक है। स्टेटमेंट टू बोला है, डीकॉम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर वो लिग्निन और काइटिन में रिच होगा तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। आप यहां देखेंगे, और ये है आपका इकोसिस्टम वाला चैप्टर, पेज नंबर 244 पे यहां पे क्लियरली लिखा है कि डीकंपोजिशन का जो रेट है इज स्लोवर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर वो लिग्निन और काइटिन में रिच होगा तो उसका रेट कम हो जाएगा, और क्विकर हो जाएगा अगर वो रिच है किसमें, नाइट्रोजनस एंड वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स में। तो स्टेटमेंट टू क्लियर है, बिल्कुल गलत हो गया, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर था स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इकोसिस्टम चैप्टर का, इसको जरूर अच्छे से करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।